गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। इस पूरे एक्सरसाइज में हम दोस्तों इस पूरे लेक्चर में हम पूरी तरीके से कंप्लीट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना कोई समय गवाए करते हैं शुरू आज के इस क्लास को। सबसे पहले हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट्स ये प्राइम फैक्टर्स यानी एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इनको हमको रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि इनको इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि उनमें केवल और केवल हमको उनके प्राइम नंबर दिखे। अब सबसे पहले स्टूडेंट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो लास्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। प्राइम नंबर को समझने का एक सिंपल सा वे क्या होता है, सिंपल सा तरीका क्या होता है, ऐसे नंबर या जो तो खुद की टेबल में आ रहे हो या वन की टेबल में आ रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टू खुद की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता है, वन को छोड़कर। फिर उसी तरीके से थ्री की बात करेंगे तो थ्री भी खुद की टेबल में आ रहा है, किसी और की टेबल में नहीं आता है। लेकिन फोर की बात करेंगे तो फोर क्या हो गया, ये आ जाता है टू की टेबल के अंदर। इसी तरीके से अब अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास फाइव, फाइव भी किसी दूसरे की टेबल में नहीं आता है, तो इन्हें ही हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमेशा 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 फैक्टर के फॉर्म में प्राइम नंबर्स ही दिखना चाहिए। और हमारे पास में स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स देखते हैं। अच्छा, अब वो प्राइम नंबर्स सबसे पहले अगर हमने देखा तो वो होता है टू। इसके बारे में स्पेशल याद रखिएगा, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, साथ ही साथ में ये इवन प्राइम नंबर भी है। ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, इसके अलावा सारे के सारे ऑड नंबर्स ही आते हैं। जैसे अब उसके बाद थ्री किसी और की टेबल में नहीं आएगा, फाइव किसी और की टेबल में नहीं आता है। इसी तरीके से हम देखेंगे तो सेवन नहीं आता है, इलेवन नहीं आता है, थर्टीन नहीं आता है, सेवनटीन नहीं आता है, नाइनटीन, फिर उसके बाद ट्वेंटी थ्री, देन ट्वेंटी नाइन, डॉट 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 आगे चलते जाएगा। बट आप लोग इतने प्राइम नंबर्स को समझिए, हालांकि प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट तक ये भी चलते रहते हैं, लेकिन आप लोग इतने प्राइम नंबर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज, मतलब 2 से लेकर 29 तक, क्योंकि हमें इन्हीं से डिवाइड करके देखना है और आप लोगों के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस केवल इन्हीं प्राइम नंबर से हो जाएंगे। चलिए अब स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन को हम उठाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 140 के हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स करने हैं 140 के। चलिए तो इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए हम इसके फैक्टराइजेशन को करते हैं। ठीक है, याने हमने कुछ इस तरह से, और ये आई होप सो सभी को प्राइम फैक्टर करना आते होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी थोड़ा सा समझना है, ठीक है, कि सर हमको इनमें अपने को डिवाइड करके देखना है। बोले सर किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले टू से, फिर थ्री से, अब फोर से कोई नहीं करेगा क्योंकि हमें केवल प्राइम नंबर्स लेना है, फिर फाइव से करेंगे, फिर सेवन से करेंगे, फिर इलेवन से करेंगे, फिर थर्टीन से करेंगे, सेवनटीन से करेंगे, नाइनटीन से करेंगे, ट्वेंटी थ्री से करेंगे, और लास्टली 29 से हम डिविजन करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्या होता है कि सबको डिवाइड करने के अपने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हालांकि स्टूडेंट सभी डिजिट्स के लिए रूल्स होते हैं, बट आगे चल के ये रूल्स अपने आप में इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि सारे रूल्स को अपन ध्यान रखें तो उसकी बजाय मैं कुछ के रूल बता देता हूं जो आसान होते हैं। जैसे हमें कैसे देखते से पता चल जाएगा, हमें कैसे देखते से पता चल जाएगा कि टू से डिवाइड हो रहा है, हमने किसी नंबर को देखा और नंबर को देखने के बाद देखते हो अरे सर इसमें तो पक्का टू से डिवाइड होगा, तो उसका तरीका क्या है, हमको टू से डिवीजन का तरीका क्या है कि हमें इसकी लास्ट डिजिट, टू के डिवीजन का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट कोई से भी नंबर की लास्ट डिजिट या तो जीरो होना चाहिए, टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, एट होना चाहिए।
इसका मीनिंग समझिए, जैसे अगर मैंने एक नंबर लिख दिया जैसे जैसे ये 158, तो आप देखते से बता दोगे क्या सर इसमें 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रही है 8, ठीक है, तो इसमें 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया 10009, क्या इसमें 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने लास्ट में देखा सर लास्ट डिजिट तो 9 है और 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डिविजन के रूल समझेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से कुछ रूल है जिसके सहायता से आपको डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, थ्री का रूल क्या है? तो थ्री का रूल है, इसे कहते हैं हम डिजिटल सम का, हमें डिजिटल सम करना है। अब डिजिटल सम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मैंने ये वाला नंबर ले लिया 156, या फिर मैंने एक नंबर ले लिया 21314, इस तरीके से। अब मुझे इस नंबर को देखते से बताना है कि मैंने देखा और देखते से पता चल जाए कि सर इसमें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए रूल क्या बोलता है, आप इसका डिजिटल सम करो। डिजिटल सम मतलब इनको आपस में जोड़ो। तो देखिए 5 + 1 6 और 6 और 6 12, यानी इसका डिजिटल सम 12 आ जाएगा। और अपने आप से पूछो क्या 12 3 की टेबल में आता है या 12 3 को डिवाइड करता है? हां, कर देता है, इसका मतलब इसमें 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगले को देखें, ये हो जाएगा 3, 3 और 3 6 7 और 7 और 4 11। अच्छा सर इसमें तो आ गया 11 सम। अच्छा 11 सम हो गया, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 की टेबल में 11 नहीं आता है। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके को अलग अलग तरीके से बोले सर 11 आ गया सम तो क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं, ये रूल सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए ही है कि आप सबको ऐड करके देखो एक ऐसा नंबर, सारी डिजिट को, एक नंबर की सारी डिजिट को ऐड करके देखो, अगर एक ऐसा नंबर हमको मिल रहा है जो 3 की टेबल में आता है यानी 3 से डिवाइड होगा, तो उस पूरे नंबर में भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नंबर आता है जैसे 11 आ गया, 13 आ गया, जो 3 की टेबल में जनरली नहीं आते, अब 3 की टेबल में अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मीनिंग यहां पर क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि सर हम उसमें 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं हम डिजिटल सम। आई होप सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 3 का रूल था। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़े हम, जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि सर 5, तो 5 का रूल है कि आपको लास्ट डिजिट, 5 के रूल में लास्ट डिजिट या तो 0 दिखना चाहिए या तो 5। हमने किसी भी नंबर के लास्ट में, क्यों? क्योंकि 5 की टेबल को सोचो ना, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। तो अगर हम 5 की टेबल को देखें तो 5 10 15 20 25 30 35 40 then 45 or 50। अच्छा, इस पूरे में देखो लास्ट में क्या दिख रहा है सर? 50 50 50 50 50 50, यानी पूरी टेबल में ही 5 या 0। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक नंबर में, यानी 5 से अगर मुझे डिवाइड करने के लिए देखना है तो मुझे लास्ट में 0 या 5 दिखना चाहिए। अच्छा, 0 दिखा तो हम बोलेंगे 5 से डिवाइड होगा, 5 दिखा तो भी हम बोलेंगे 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा एक और चीज यहां पर ये समझिएगा। जैसे सर अगर ये आ गया, हमारे पास एक नंबर आ गया और वो वाला हमारे नंबर पास है मान लो 30। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें सोचिए क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ सर, लास्ट में 0 दिख रहा है तो इस नंबर को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका सम करके देखो। हाँ सर, इसमें तो 3 से भी डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ सर लास्ट में 0 दिख गया, इसका मतलब 5 से भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा, मतलब इसका भी रूल लग रहा है, इसका भी रूल लग रहा है, इसका भी, तो हम तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आई होप सो यह तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद बोले सर ऐसे 7 11 13 17, इनके रूल बता दो। तो स्टूडेंट्स, इनके रूल है लेकिन वो इतने ज्यादा टफ हो जाते हैं कि उन्हें याद रखना फिर मुश्किल हो जाता है। तब आगे के रूल ये होंगे कि हम 7 से जब भी डिवाइड करने की बात होगी तो हम करके देखेंगे
11 से करके देखेंगे, 13 से करके देखेंगे, 17 से करके देखेंगे, उसके बाद हमें सारे को कर करके देखना है। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। मुझे बताइए क्या इसमें 2 से डिवाइड होगा? हाँ स्टूडेंट, 2 से डिवाइड होगा। बोले सर क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, 0, और 0 दिख रहा है इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए 2 से करते हैं डिवाइड। तो 2 7 14, 0 एज इट इज। सर लास्ट में हमको फिर से 0 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स में। अब बोले सर लास्ट में हमको ऐसा नंबर दिख रहा है 5, जो 2 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब अब 2 का डिवाइड तो नहीं होगा। अब हम आगे बढ़े 3 के लिए। तो 3 का रूल क्या है, इनको ऐड करके देखो तो 8 आ जाएगा। अच्छा 8 तो आता है नहीं 3 की टेबल में, यानी 3 का रूल भी नहीं लग पाएगा। आगे बढ़े हम 5 के लिए। 5 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 5 या 0 दिखना चाहिए। हमें 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है यहां पर कि 5 से डिवाइड होगा। और यहां पर है 5 7, और 7 खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 140 को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 2 × 2 × 5 × 7। तो यही था स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ। उसने बोला है एक्सप्रेस ईच प्रोडक्ट, ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी हर नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो यहां पर सारे के सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करा, तो यही है फाइनली हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आगे वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है स्टूडेंट, तो वो है 156। अच्छा 156 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 156 सबसे पहले देखा सर लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी इस नंबर में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड करने के लिए 2 7 14, 2 8 16, फिर से 8 दिख रहा है, 2 की टेबल से भी डिवाइड होगा ये। तो 2 3 6, 2 9 18। अब फिर हमने गए सर डिजिटल सम, तो इसको सम करेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 में 3 से डिवाइड होता है। 3 1 3 3 3 9। अब उसके बाद हम देखेंगे सर 13 तो अपने आप में खुद प्राइम नंबर है, तो वो 13 1 13, यानी 156 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 के फॉर्म में। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने करे, तीसरा क्वेश्चन फिर से वीडियो को पॉज कीजिए करिए, और फिर मैं तो करवा ही रहा हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तो उसको अगले स्लाइड पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, देखिए ये 2 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो थर्ड क्वेश्चन इज 3825, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। चलिए तो 3825 इसको हम पहले डिवाइड करते, तो अच्छा याद रखिएगा प्राइम फैक्टर से ही अपने को करना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से। ठीक है, अच्छा सबसे पहले 2 का रूल, तो 2 का रूल तो लग नहीं सकता सर, 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 का रूल डिजिटल सम, सबको ऐड करके देखो, तो सबको ऐड करके देखेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। अब 13 और 5 18, इसका मतलब सर 3 की टेबल से आ रहा है तो 3 से डिवाइड तो होगा। चलिए करते हैं तो फिर 3 से डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, अब 3 7 21, और 3 5 15। अच्छा फिर से इसके बाद 3 का रूल फिर से देखे सर, इसको ऐड करके देखो तो 15 आ रहा है, 15 अगर आ रहा है तो 3 की टेबल में 15 आता है, इसका मतलब 3 से फिर से डिवाइड होगा। तो 3 4 12, अब 3 3
सॉरी 3 4 12 और यहां पर हो जाएगा 3 2 6। अच्छा 3 2 6 एक बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। अच्छा फिर से हम देखें सर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 6 और 5 11। नहीं सर अब नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड, तो अब आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे कौन से नंबर से, वो नंबर है 5। अब 5 से तो डिवाइड होगा सर, लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 8 40 और 5 5 25। फिर से ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 यहां से 3 बच जाएगा, 5 7 35। अब फिर यहां पर सर 17 तो डायरेक्ट प्राइम नंबर्स में आ गया है तो उसे ले लेते, यानी हम फाइनली 3825 को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो दैट इज द आंसर। आई होप सो स्टूडेंट, बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 505 की तरफ, ठीक है चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 5005। अच्छा चीजों को आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। सबसे पहले तो सर 5 से तो हो गई होगा, या फिर 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 3 से होगा क्या सर, 10 आ रहा है डिजिटल सम, 5 से होगा क्या, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 से तो होगा, यानी 5 1 5 फिर 0 0 5 1 5। अच्छा अब आप सोचिए क्या अब ये फिर से दोबारा 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी सर 5 से अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़े। अब इसी को हमको बार बार चेक करना पड़ेगा, तो 1001 में हम 7 से इधर डिवाइड करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 7 1 7, ठीक है, कितना बच जाना है यहां पर 3, ऊपर से कैरी लेंगे हम, ऊपर से डिजिट को उतारेंगे 0। अब 7 4 28 28, यहां पर कितना बच जाएगा 2, ऊपर से नंबर हम नीचे लेंगे तो वो हो जाएगा 7 3 21, यानी 143 बार में डिवाइड हो रहा है, कितने नंबर से 7 से 143 में डिवाइड हो रहा है, ओके ठीक है। अब सर 7 से फिर से अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे ही अपन आगे, अच्छा एक बात समझ लीजिए, हम जैसे ही अगर 7 से अब वापस पीछे से कभी डिवाइड नहीं, हम हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है चलिए। अब 143 क्या इसमें 7 से डिवाइड होगा, स्टूडेंट अपने आप से सवाल पूछो कि नहीं सर 7 2 14 3 बच जाएगा, नहीं होगा, तो 7 से नहीं होगा, अब 11 से बढ़ते, क्या इसमें 11 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल स्टूडेंट 11 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 11 1 11 3 बच जाएगा तो 33, 11 3 33, अब फिर 13 तो अपने आप में खुद में प्राइम नंबर्स है, ठीक है, यानी 5500 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। यहां पर थोड़ा सा एक मेहनती क्वेश्चन है, वो है 5th वाला, तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5th को कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को वापस ऑन कीजिएगा, चलिए तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमारे सामने क्या है, 7 4 2 9। अब इसमें मैं मेहनत वाला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें लंबा जाना है, ठीक है चलिए ध्यान देते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सर लास्ट में 9 है। 3 का रूल क्या बोलता है कि सबको ऐड करके देखो, तो 7 और 4 11 11 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 2 को ऐड करेंगे तो 13 13 एंड 9 को ऐड करेंगे तो 22। इसका मतलब सर इसमें 3 से भी डिवाइड नहीं होना है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमें 5 दिखना चाहिए, 7 से क्या इसके अंदर डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट्स वो चेक करने के लिए मैंने कहा है कि 5 के बाद के हमें करके देखना होंगे, तो हम जैसे करेंगे तो 7 1 7 ऊपर से कैरी लिया 4। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा,
कि सर 7 तो 4 से छोटा हो जाता है, नहीं, अगर हम बीच में से दो बार लेते हैं तो ऊपर एक जीरो पुट करते हैं। अगर देखिए डिवाइड का रूल क्या बोलता है कि एक नंबर तो आप ले लो, एक नंबर तो नीचे उतार लो आप अपनी इच्छा से, लेकिन अगर आपको बीच में से दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मुझे जीरो देना पड़ेगा, तो ऊपर इसलिए हमने जीरो लिखा। अब यहां पर इसको 7 से, ठीक है, तो 7 6 42। अब फिर यहां पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और 7 की टेबल में 9 नहीं आता है। इसका मतलब सर ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है। तो सर 7 से अगर डिविजिबल नहीं है तो अब फिर हमको आगे और चेक करना पड़ेगा। तो 7 के बाद अगला नंबर यहां पर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? तो 7 के बाद अगला नंबर आ रहा है सर 11 से करके देखें। चलिए करके देखते हैं। तो 11 से करके देखेंगे तो 11 6 66, ठीक है। अच्छा अब यहां से कितना बच जाएगा, तो 11 6 66 8 बच जाएगा। ऊपर से लिया हमने कितना 12, 11 7 77, यहां से हमारे पास में कितना स्टूडेंट बच जाएगा 5, और यहां से 9, तो सर 11 के टेबल में 59 तो नहीं आता। इसका मतलब सर ये ना तो 7 से 11 से भी डिवाइड नहीं हुआ। चलिए स्टूडेंट अब फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ के सर अब हमें चेक करना होगा कितने से, 13 से। तो अब हम 13 से चेक करते हैं। अच्छा अब 13 से चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि सर 13 का तो टेबल ही याद नहीं है। फिर वो क्या करता है, टेबल साइड में बनाता है। आजकल के स्टूडेंट को मैंने देखा थोड़ा सा वो आलसी पने हो गए। बोले सर क्यों, अरे टेबल ही याद नहीं करते यार। टेबल आप लोगों को स्टूडेंट 20 तक की टेबल, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स अच्छा से स्ट्रांग रहे, बहुत ही बढ़िया रहे, तो 20 तक की टेबल याद कीजिए, ठीक है। चलिए अब 13 से करके देखें, ठीक है। तो 5 टाइम में 13 5 65, ठीक है, 13 5 65, ठीक है। अच्छा अब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9, ठीक है, कितना बच जाएगा 9। अच्छा यहां से हमने क्या कैरी लिया स्टूडेंट्स, 2। अच्छा जैसे ही यहां से हमने 2 कैरी लिया, अब यहां पर तो 7 टाइम में 13 7 91, 13 7 91, 1 बच जाएगा। फिर ऊपर से लिया तो 9, नहीं सर ये तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब और आगे बढ़े, मैंने इसीलिए कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी सी करवाएगा मेहनत, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं सर। अब 13 के बाद कौन सी टेबल से जाएंगे हम, तो वो जाएंगे हम 17 की टेबल से, ठीक है। तो 17 4 68, ठीक है। अच्छा अब 68, तो यहां से कितना बच जाएगा स्टूडेंट, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 6, फिर 2, ठीक है। तो 17 4 57 51 17 4 68, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में 17 3 51, ठीक है। तो यहां से कितना बच जाएगा स्टूडेंट, 11, और यहां से अपन ने कैरी लिया 9। तो ये स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में जाएगा, 17 7 119, ठीक है। तो 7 टाइम में जाएगा ये 119, और यहां से बच जाएगा, तो इसका मतलब सर ये 17 से फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ। तो 17 से हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आएगा, 437, ठीक है। अच्छा अब सर 437 आ गया, तो अब इसके बाद अब हमें आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ के अब हमको 437 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अच्छा अब 437 के ऊपर करें कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल। तो इसमें जब इसमें 17 से डिवाइड, तो सर हो सकता है इसमें भी 17 17 से करके देखना पड़ेगा हमको फिर से, तो इसमें 17 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम में जाएगा, ठीक है, 17 2 34, ठीक है। और यहां पर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 9। अब 17 की टेबल में 97 तो नहीं आता, 91 आता है। इसका मतलब सर इसमें 17 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 17 से डिवाइड नहीं होगा तो सर अब आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद कौन दिख रहा है हमें, तो वो नंबर दिख रहा है, दैट नंबर विल
19 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। अब 19 से करके देखें तो 2 टाइम्स में 19 टू जा 38, ठीक है, कितना बच जाएगा 5, और 3 टाइम्स में जाता है 57, 19 थ्री जा 57। हाँ सर, ये कितने से, 19 से डिवाइड होगा। अच्छा, फिर 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो अगला नंबर 23। यानी फाइनली हम 7429 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 के फॉर्म में। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स को करेंगे, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करा, चलिए अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों को क्या बोल रहा, बुक में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें अब स्टूडेंट इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। चलिए सबसे पहले ये वाले चीजों को मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि दो नंबर का हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब हम इस थ्योरी से या इस कॉन्सेप्ट से हमारे खुद के क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता चुका था, तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो 26 एंड 91 को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 26 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से होगा 13 टाइम में और 13 से होगा 1 टाइम में, सिंपल सा। 91 से करेंगे तो ये सीधे स्टूडेंट देखिए यहां पर सीधे कितने से जाएगा, 7 से, ठीक है, 7 से कितने टाइम में, 13 टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद में कितने, 13 से, 13 वन जा 13। अच्छा, अब 26 को हम पहले लिख रहे थे, तो 26 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 के फॉर्म में। अब बस स्टूडेंट आप लोगों को यही तो देखना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हमेशा 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 कैलकुलेट क्या करेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे कैसे नहीं, इसके निकालने का तरीका कि सर ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, तो वो दोनों के पास कौन सा नंबर दिख रहा है, 13। इसका मतलब हमारा HCF, इस नंबर का HCF कितना हो जाएगा, 13। अच्छा, एलसीएम हम सर फिर अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वो चीज को देख लीजिए जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास कौन सा नंबर दिखा, 13। बच क्या गया, तो हमारे पास बच गया, अब इसके अलावा जो हमारे पास प्राइम नंबर्स बच गए उनको लिख लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर 26 हो जाएगा, 13 टू जा 26, 7 से और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 6 जा 42, 7 टू जा 14, 14 प्लस 4 18, यानी ये होगा उसका एलसीएम। तो स्टूडेंट सभी को समझ में आया कैसे निकालेंगे, फिर से एक और बार तरीका समझ लीजिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, जो भी दोनों के पास है वही हमारा एचसीएफ है, और एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों के पास है उसे हमने पुट किया और जो बचे हुए नंबर्स हैं उन्हें भी हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा होगा एलसीएम। अब यहां पर स्टूडेंट्स बोले सर हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला तो सही लेकिन मतलब नहीं समझ में आता, हमको निकालना आ जाता है लेकिन क्यों निकाल रहे हैं, क्या फायदा होता है उससे, समझिए। सबसे पहले एचसीएफ को समझिए, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यह हो गया कि 13 वो सबसे बड़ी टेबल है, इसका मीनिंग समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब 13 नंबर वो सबसे बड़ी टेबल है जो 26 को भी डिवाइड करेगा और 91 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा और वो सबसे बड़ी टेबल है, इसके आगे कोई भी ऐसी टेबल नहीं मिलेगी, तो यही होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट एलसीएम स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब जैसे ये 182 लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
इसका मतलब ये वो छोटा से सबसे छोटा नंबर हमारे पास आया है जिसने एक साथ, ठीक है, 26 भी डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा और 91 भी डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा। समझ में आया? फिर से समझिए, एचसीएफ का मतलब ये वाला नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और ये सबसे बड़ा नंबर है, और एलसीएम का मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जिसे ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब होता है। अच्छा, अब हम हमारे इसी क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं। बोले सर कैसे चेक कर सकते हैं? इसी बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं कि हमने ये जो एलसीएम एचसीएफ निकाला वो सही है या गलत। तो उसके लिए हम तरीका अपनाएंगे ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। हालांकि यहां पर भी लिखा है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा चलिए, तो वो दो नंबर कौन से थे हमारे पास? तो वो दो नंबर थे 26 मल्टीप्लाई बाय 91। एचसीएफ हमारे पास क्या आया था? तो एचसीएफ हमारे पास आया था स्टूडेंट 13 और एलसीएम हमारे पास कितना आया था? तो 182। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाता है तो इसका मतलब हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है। चलिए तो करते हैं यहां पर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो देखिए 91 में हम 26 का प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 1 6 और 6 9 54, देन 2 से 2 1 2, 2 9 18। अब यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर 6, यहां पर कितना हो जाएगा 13 प्लस और यहां पर 2, यानी 2 3 6 6। ये हमारे पास इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आया। अब यहां पर हम फिर से प्रोडक्ट करेंगे किसके, 182 मल्टीप्लाई बाय 13 का, तो 13 2 26 कैरी आ जाएगा 2, ठीक है, 13 8 104 104 होता है, ठीक है, तो वहां पर कैरी आ जाएगा 10, 13 1 13 और 23, यानी 2 3 6 6। ये दोनों नंबर एक साथ अगर इक्वल आ गए इसका मतलब हमने जो हमारा क्वेश्चंस किया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो आई होप सो तरीका सभी को समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कितना है, 510 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में क्या है, 510 एंड 92। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 510, अब थोड़ा सा समझिएगा, प्राइम फैक्टर तो सीख ही चुके हैं आप। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 2 2 4, 1 हो जाएगा, 2 5 10 और फिर हो जाएगा 2 5 10। अच्छा, अब फिर उसके बाद में ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सम करके देखिए 12 आ रहा है, तो 3 से 3 8 24, 3 5 जा, फिर यहां पर ये फिर से कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 8 और 5, अच्छा सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, 5 से डिवाइड होगा। चलिए तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 से 17 टाइम में, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से 92 को और करें, तो 92 को करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 6, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 2, 2 2 2 3 जा, और फिर ये अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसके एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, कि 510 के प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और 92 को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। देखिए, बस देखिए कि पेयर किस किस का बन रहा है, तो यहां पर ये 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, हाँ, तो 2 का पेयर बन जाएगा यहां पर। जैसे ही 2 का पेयर बन जाएगा तब हम यहां पर निकालेंगे क्या, तो बिल्कुल हम यहां पर निकालेंगे, ठीक है,
अब हम यहां पर निकालेंगे HCF. तो HCF ऐसी चीज जो दोनों के पास हो, तो वो आपको ओनली टू दिख रही है. LCM, LCM तो सबसे पहले वो नंबर जो दोनों के पास है, यानी पेयर वाला लिख लेते हैं. फिर बचे कुचे को सबको लिख लेते हैं. तो बचा कुचा कौन, 3 × 5 मल्टीप्लाई बाय 17, नीचे से कौन बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 23. अब बस इसी का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है. तो चलिए इसको करते हैं. तो यहां से 2 × 3 = 6, ठीक है. देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 इंटू, यहां पर इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 34 और यहां पर 23. आप इसको इस तरीके से कर सकते हो. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और कर लेते, तो देखिए ये तो 0, 3 × 4 = 12, कैरी 3 × 3 = 9 प्लस 1 = 10, यहां पर 23. अच्छा 23 से करेंगे तो 23 × 2 = 46 और 23 × 3 = यानी ये आ जाएगा हमारे पास. तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास इन दोनों नंबर का क्या आया, तो वो आया 23,460. चलिए आइए इसे, हमने ये निकाला है कि सही है या गलत, तो इसे हम चेक कर सकते हैं. कौन से बिल्कुल तरीके से, यानी वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहां पर इस बार कौन कौन से नंबर है, तो 510 मल्टीप्लाई बाय 92, एचसीएफ है 2 और एलसीएम हमारे पास कितना आया, 23460. करते हैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी 92 में मल्टीप्लीकेशन हम किसका कर लेते हैं, 51 का. अच्छा देखिए यहां से जो जीरो बच रहा है उसे तो हम लगा ही सकते हैं पहले. अच्छा 1 से तो 92 एज इट इज, 5 से 5 × 2 = 10, कैरी आ जाएगा 1, 5 × 9 = 45 प्लस 1 = 46, 2964 यानि यहां पर आ जाएगा 46920. अब बस स्टूडेंट यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन और करते हैं, तो 2026 = 12, कैरी 1, 2 × 4 = 8, 9, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = देखिए ये दोनों आ गए एक दूसरे के इक्वल. इसका मतलब हमने ये जो एलसीएम और एचसीएफ किया है ये एकदम करेक्ट है. आप इसे एग्जाम में अपनी स्ट्रेंथ बनाइएगा. हम हमारे क्वेश्चंस को यहीं से इसी तरीके से खुद चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए नाउ अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है. अब हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला. तो चलिए इसके करते हैं प्राइम फैक्टर 336 और यहां पर 54 के. अच्छा इसमें करें तो सबसे पहले देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 6 दिख रहा है. तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = अब यहां से फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर 2 × 8 = 2 × 4 = फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 2 × 4 = 2 × 2 = फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 2 और फिर से अभी 3 से डिवाइड हो रहा है 3 और फिर यहां से ये 7 से 1 टाइम है, ठीक है. अच्छा अब यहां पर इसको देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है कि सर 2 × 2 = और 2 × 7 = फिर 3 से हो रहा है 3 × 9 = फिर 3 से हो रहा है 3 × 3 = फिर 3 से, यानी हम इन्हें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 336 को. कितना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7. देन हम 54 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 54 क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है. आई होप सो तरीका समझ में आ रहा होगा. अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, बनाने हैं हम लोगों को बनाने इनके पेयर्स, ऐसी पेयर्स जो दोनों के पास हो. तो देखिए एक ये 2 दिख रहा है, हाँ सर एक ये 3 भी दिख रहा है ऐसे, या फिर यहां से ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है. अब हम बनाते हैं इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो देखिए हाईएस्ट कॉमन ऐसी चीज है सर, 2 और 3 दोनों दिखा था, तो इस बार HCF हमारे पास होगा 6. चलिए अब एलसीएम
एलसीएम में मैंने कहा है कि सबसे पहले उनको तो लिख ही लीजिए जो दोनों के पास है, तो सर इन दोनों का एक बार, इस थ्री का एक बार, अब बाकी की बची हुई सारी चीजों को, तो बाकी के कौन बचा, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सेवन। अच्छा फिर साथ में हमारे पास एक्स्ट्रा बचा सर ये थ्री मल्टीप्लाई बाय, या फिर यही लिख लेता हूं मैं लाइन से ही आगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, इतना सब कुछ बचा था। ठीक है चलिए अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, वही होगा हमारा एचसीएफ। तो देखिए देखते जाइएगा स्टूडेंट, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, मतलब यहां तक हमने 48 कर लिया। अच्छा इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन और नाइन सेवन जा 63। अब इनका आपस में और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो अब हम 63 मल्टीप्लाई बाय 48 करते हैं, ठीक है, तो 8 3 जा 24, कैरी आ जाएगा 2, फिर 8 6 जा 48, 48 और 2 50। नाउ अगला 4 3 जा 12, कैरी आ जाएगा 1, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, यहां पर आ जाएगा 4203, यानी सर हमारा एलसीएम आया 3024। ये क्या आ गया हमारे पास में एलसीएम। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इसे एलसीएम को अब चेक कर लेते हैं। बोले सर कैसे चेक कर लेते, वही फॉर्मूला, कौन सा, यही वाला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। देखिए आगे पीछे भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब दो नंबर्स हमारे पास में कौन से थे, तो वो थे 336 मल्टीप्लाई बाय 54, और एचसीएफ कितना आया हमारे पास, इधर आया है 6 और एलसीएम 3024। चलिए अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 336 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 का, ठीक है, तो 64 जा 24, कैरी आ जाएगा यहां पर 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, कैरी आ जाएगा 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, देन अब 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 3 18, ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4 यहां पर 11 हो जाएगा, 8 1, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन जब हमने किया तो 18144। अच्छा इसी तरीके से इधर और मल्टीप्लीकेशन कर ले, तो 6 4 जा 24, कैरी आ जाएगा 2, 6 2 जा 12 प्लस 14, 0 तो है सर, 6 3 जा ये 18। इसका मतलब फिर से हमने देखा कि सर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब हमने ये जो क्वेश्चन किया वो एकदम करेक्ट है। आई होप सो स्टूडेंट सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है स्टूडेंट, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना, और इस बार हमारे पास में ये तीन नंबर्स के निकालने। चलिए करते हैं, कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, इजीली हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन, तो चलिए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 12 के, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। अच्छा फिर 21 के, तो 21 के होंगे 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है, फिर अच्छा चलो 21 का पहले निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं, पहले 15 का निकालना था चलता है इतना, फिर 15 का तो 3 5 जा और 5 1 जा। अच्छा अब यहां पर देखिएगा इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो 12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, देन हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सर जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो एक चीज समझिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों के पास है, इस बार तीन नंबर है तो तीनों में देखना होगा, तो वो है क्या हमारे पास में
तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, वो हमारे पास में क्या निकला है, HCF, और HCF कितना निकला, 3। अच्छा अब LCM, तो LCM यानी सबसे पहले वो नंबर लिख लो जो तीनों के पास है, फिर बचे हुए को, तो 2 × 2 × 7 × 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 × 2 = 12, ठीक है, और 12 × 5 = 16, ठीक है, 12 × 5 कर लिया मैंने, और मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा ये, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, तो वो आ गया 420। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन 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 यहां पर एक बड़ी बात आती, क्या सर हम वही चीज से जो अभी तक लगाते थे वो चेक कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसका जवाब है नहीं। इसका रीजन इसलिए क्योंकि वो जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में याद कीजिए बार बार हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी दो ही नंबर, यानी वो फॉर्मूला या वो ट्रिक या वो मेथड आप जब ही यूज कर सकते हो जब केवल दो नंबर हो। यहां तीन नंबर था, इसका मतलब क्वेश्चन यहीं पर हमारा फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, तो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 17 × 23 और 29। चलिए तो 17 के पेयर बनाए प्राइम फैक्टर, तो 17 बन जा 17, 23 को देखेंगे तो 23 बन जा, देन 29 को देखेंगे तो 29 बन जा, इनके पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो 17 ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ सर, इसको कैसे करेंगे यार, सर इसमें तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि सर पेयर नहीं बन रहा हो, तो एक चीज हम हमेशा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा होता ही है, ठीक है, उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसे लिखते नहीं है, वरना सभी के साथ यहां पर 1 भी है। यहां पर 17 × 17 तो हम 1 को ले सकते हैं। अब यहां पर पेयर किसका बन रहा है, 1 का। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई पेयर नहीं बन पा रहा होगा तो इसका मतलब वहां पर उस टाइम पे पेयर कौन सा होगा, 1 होगा। तो HCF कितना होगा स्टूडेंट, 1। अच्छा LCM, तो LCM हमारे पास होगा सर 1 तो था मल्टीप्लीकेशन में सबके साथ में, 17 × 23 × 29, इसका करना होगा हमको मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का कर लेते हैं, 51 यानी 51 का 1 कैरी आ जाएगा 5, 17 × 2 = 34 और 5 = 39, मल्टीप्लाई में कौन बचा है 29। अब 391 में हम 29 का और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, 81 का 1 कैरी आ जाएगा 8, 9 × 3 = 27, 27 और ऐड को तो 35, देन 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 + 1 = 7, 9, 3, 8 और 5 = 13, ठीक है, हाँ कैरी आ जाएगा 1 और 11, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 11339, दैट इज द एलसीएम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ये लास्ट वाला क्वेश्चन। तो यहां पर एक याद रखिएगा, जब भी अगर फैक्टर्स नहीं, पेयर्स नहीं दिख रहे हो, तो वो पेयर के फॉर्म में हम किसको लेंगे स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सही, हम लेंगे 1 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन मतलब इसका लास्ट वाला, ये थर्ड वाला। तो चलिए इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 8, 9 और 25 का हमको निकालना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो इसे हम बहुत 2, 4 फिर 2 टाइम में फिर 1 टाइम में, 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 1 = 3, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी 8 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 × 2, देन 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, और
25 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर से यहां देखने को मिल रहा है कि सर किसी का पेयर नहीं बन रहा, जब भी पेयर नहीं बने तो आप मल्टीप्लीकेशन में किसको ले लेते हैं, 1 को, यानी इनका अब हमारे पास में HCF क्या आएगा, तो वो HCF होगा 1। अच्छा LCM क्या होगा स्टूडेंट, तो LCM इसका मतलब ये सारे के सारे बचे हुए, तो थोड़ा सा दिमाग, सारे के ये इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके ये 8 के इक्वल होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके ये 9 के ही इक्वल होगा, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके ये 25 के ही इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका अपन तो 25 8 200 इनटू में 9 बचा, इसका मल्टी तो 9 2 18 100, तो हमारे पास में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत बढ़िया तरीके से तीनों चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF दो नंबर हैं 60306 और 657, इसका HCF इन दोनों नंबर का HCF अपने को दे दिया, बोला LCM फाइंड करो। तो देखिए हम इसे अभी तक जिस तरीके से करते हुए आए हैं ना, उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि इसे अभी तक जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं उसी तरीके से इसका, जैसे HCF भी निकालते थे और LCM भी निकालते थे, आप दोनों निकालिएगा, आप इनके प्राइम फैक्टर कीजिएगा, प्राइम फैक्टर करने के बाद उन्हीं का LCM भी निकालिएगा, उसी का HCF भी निकालिएगा, उसने LCM पूछा है तो वही हमारा आंसर होगा। बट हम इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका याद करो वही वाला, वो फॉर्मूला वाला, प्रोडक्ट वाला। तो चलिए हम यहां पर लगाते हैं वो प्रोडक्ट वाला तरीका। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, चलिए वो दो नंबर कौन कौन से, तो वो दो नंबर है स्टूडेंट 60306 और 657। HCF हमारे पास कितना है इन दोनों का, देखिए इन दोनों नंबर का HCF गिवन है 9, LCM यही तो हमें पता करना है। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू LCM। चलिए इसे डिवाइड करते हैं, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 0 3 2 और फिर से, अच्छा फिर से देखोगे तो सर ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अब LCM, इसको मैंने इधर लिख लिया और बाकी बचे हुए टर्म को इस तरफ, यानी 657 मल्टीप्लाई बाय 34। तो बस कर लेते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 7 4 28 कैरी आ जाएगा, 2 5 4 20 plus 22 6 4 23 24 24 plus 2 26, देन 3 से अपन करेंगे तो 3 7 21 3 5 15 प्लस 2 17, ठीक है, 6 3 18 प्लस 1 19, 8 3 3 यहां पर हो जाएगा 11, ठीक है, और 2 12 होगा, सॉरी। तो यहां इसका LCM कितना आ जाएगा, तो 22 338। ये क्या है इसका स्टूडेंट, LCM। तो इस तरीके से भी हम LCM को निकाल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सर एक इस तरीके से भी करा, एक उस तरीके से भी करा, आप एग्जाम में कोई सा भी तरीका, लेकिन आप खुद अपने आप से डिसाइड करो, ठीक है, दोनों तरीके लगाओ और आप डिसाइड करो कि सर कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा था। मैथ्स को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, कई सारे मेथड्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें करने के लिए क्या होगा कि कौन सी मेथड सबसे बेस्ट है, उस बेस्ट का पता लगाने के लिए करना होगा स्टूडेंट सेल्फ निरीक्षण।
आप खुद करिएगा, देखिएगा कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चेक वेदर 6 to the power n। अच्छा ये क्या है स्टूडेंट, 6 to the power n है ये, n 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट्स और डिजिट्स 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर्स हम रख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 की पावर कुछ भी बना ले, तो क्या कभी भी वो नंबर 0 से एंड होगा, ये अपने को चेक करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। उसने बोला है कि जैसे अपन 6 की पावर कुछ भी यहां पर रखें, तो ऐसा कुछ भी बड़ा सा नंबर जैसे ये 6 बैंकर करके, लेकिन उसने बोला है कि क्या ये नंबर लास्ट में 0 से एंड होगा, मतलब क्या लास्ट डिजिट कभी 0 आएगी, ये उसने हमसे पूछा है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं कि हर एक जब भी कोई नंबर 0 होता है तो उसकी क्या स्पेशलिटी होती है उसको देखते हैं। जैसे अगर हमने देखा सबसे पहली बार हमको 0, एक ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में हमको 0 दिखे, वो सबसे पहली बार 10 में दिखता है, और 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो वो होता है 2 और 5। इसका मतलब सर 10 को बनाने के लिए हमें, यानी 10 को बनाना है तो हमें 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। मतलब अगर हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 और 5 जब भी साथ में दिखेगा तो पक्के तौर पर 0, लास्ट में 0 जरूर बनेगा। अच्छा कोई बोले सर इसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने ये 20 ले लिया। अच्छा 20 के प्राइम फैक्टर करके देखिए, तो 2 से ये 10 में, फिर उसके बाद जैसे ही आप करोगे तो 2 से ये 5 में और 5 से ये, यानी ये दोनों मिलकर ही 0 बनाएंगे। अच्छा सर कोई सा और नंबर ले लेते हो, जैसे हमने ये ले लिया ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़े रूप में कर देता हूं, तो 9 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर इसको 5 से करेंगे तो 10, अच्छा फिर से करेंगे तो देखिए 5 2 जा, और ये थोड़ा सा बस आगे पीछे कर दिया। बस मेन मोटो ये बताना है कि जब जब आपको 0 दिखे तो पक्के तौर पर यह बात फिक्स होगी कि उसके फैक्टर के अंदर 5 और 2 दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इफ एवरी नंबर एंड विथ डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 से डिजिट हो रहा है, देन इट्स प्राइम फैक्टर्स कैन बी 2 5, 2 × 5 जरूर होना चाहिए, ठीक है, या कैन बी किया विल बी, ये होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और है चलेगा लेकिन ये तो होना ही चाहिए। चलिए स्टूडेंट तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमको क्या दे रखा है, 6 की पावर n, तो हम 6 के प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं। अच्छा 6 के प्राइम फैक्टर को देखेंगे तो 2 3 जा, और यहां पर क्या आ रहा है 3 1 जा, यानी 6 का प्राइम फैक्टर हमें क्या मिलेगा 2 × 3। अब आप ही सोचिए ना कि अगर मुझे कोई नंबर 0 पे एंड करना है तो मुझे 2 और 5 दोनों ही दिखना चाहिए, 2 5 दोनों दिखना चाहिए, 2 5, तो यहां 2 तो दिख रहा है बट 5 है क्या, नहीं है, यानी यहां पर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 5 नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये 0 कभी नहीं बन पाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इफ इन दिस नंबर 5 is not prime factor, समझ में आया, therefore 6 to the power n is not and with
जीरो। आया सभी को समझ में? इसका मतलब ये कभी जीरो पे खत्म नहीं होगा। यहां पर कुछ भी रखे देखे, देखे वन करके देखिए तो सिक्स आएगा, टू करके देखेंगे तो 36 आएगा, थ्री करके देखेंगे तो 216 आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब n की जगह कोई भी नंबर ले लो, लास्ट में जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, आई होप सो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर्स। उसने बोला है कि हमें प्रूफ करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहली बात तो कंपोजिट नंबर होते क्या है, ठीक है? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने सिक्स लिख लिया, तो सिक्स कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि कंपोजिट, इसको हम बोलेंगे कौन सा नंबर, कि ये है कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसके अंदर दो, यानी एक को छोड़कर दो क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने थ्री लिखा तो सर थ्री को ऐसा, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो वो खुद की टेबल आ रही है और एक वन आ रहा है। अगर हमको खुद के अलावा कुछ और दिखता है या दो प्राइम नंबर्स दिखते हैं वन को छोड़ करके, तो हम बोलेंगे कि वो कैसे नंबर्स हैं? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, वो हैं प्राइम, वो है कंपोजिट नंबर्स। तो वही तरीका अपनाते हैं। अब इस पहले वाले क्वेश्चन को अपन मान लेते हैं, लेट एक नंबर को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, यहां से अगर आप देखोगे तो सर इस पूरे में से देखे तो यहां सब तो मल्टीप्लीकेशन, यहां प्लस है। इसका मतलब, अच्छा ये चीज समझिएगा, जैसे अगर ऐसा कुछ लिखा है 7 2 2 और 7, या फिर यहां पर 11 कर लो। अब कोई बोले सर यहां से 2 अपन कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मल्टीप्लीकेशन में हम कभी कॉमन नहीं निकालते हैं, हम कॉमन निकालते हैं एडिशन और सब्सट्रक्शन के से। तो देखिए यहां तो मल्टी, लेकिन यहां एडिशन दिख रहा है, इसका मतलब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, और वो कॉमन नंबर हमको कौन सा आते हुए दिख रहा है, 13। तो 13 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा 7 इंटू 11, यहां से कॉमन निकाला तो 1 प्लस 13। अब देखिए, अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर लें, सॉरी, अच्छा यहां पर ओ, यहां पर भी तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि कॉमन निकालना, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, तो 13 और 13, तो 13 वन जा 13 वन जा। अच्छा अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 77 प्लस 1, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 78। अब बस समझ जाइए कि सर यहां पर प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर के साथ में एक दूसरा नंबर भी, इसका मतलब ये वाला नंबर, ये जो एक्स नंबर है, ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, वही हो गया ना कि सर ज्यादा एक से प्राइम नंबर के साथ में भी कोई अगर मल्टीप्लीकेशन में दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि वो तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस 13 एंड 17 आर टू फैक्टर्स, ठीक है, सिंस देयरफोर एक्स इज कौन सा नंबर है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अच्छा अगले को भी चेक करते हैं, अगले को चेक करते हैं तो y के फॉर्म में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अच्छा मैं इधर वाले टर्म, इधर वाले हिस्से को रफ कर देता हूं, ठीक है, सीख तो चुके हैं हम। फिर से यहां पर भी वही कीजिए, निकाल लीजिए कॉमन। तो चलिए यहां पर जैसे अपन ने कॉमन निकालेंगे तो 5 इस बार कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉमन निकाला तो 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस यहां से 5 कॉमन निकाला तो 1। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 6 42,
ठीक है, जब भी बड़ा आता है तो उसको टुकड़ों में कर लो। फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा, हाँ फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर। अच्छा प्लस का वन बचा है, अब इसका और मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 42 का हम 24 में, कितना आ गया स्टूडेंट 1008 प्लस 1। अब हम इसे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं अब ऐड होगा। तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब यहां पर अपन बोल सकते हैं यही तरीका 6 सिंस 5 एंड 109 आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स आ गए, इसीलिए y कैसा नंबर है, y इज कंपोजिट नंबर। y एक कैसा नंबर बन गया, एक कंपोजिट नंबर बन गया। अगर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई से 1 होता तो हम बोलते कि एक ही प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि वो प्राइम नंबर्स हो जाता, बट यहां पर ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए आप सभी लोग इसे। अगला क्वेश्चन, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू डिराइव वन राउंड, ठीक है, ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फ्रॉम द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम एंड गो इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्या है कि एक सर्कुलर फील्ड है कुछ इस तरह से, ओके। अब ये एक सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर फील्ड के ऊपर दो, एक तो कौन, सोनिया और एक रवि, सोनिया और रवि इसके चारों तरफ दौड़ते हैं, ठीक है। अच्छा सोनिया जो है, सोनिया जब एक चक्कर पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो कितना टाइम यूज करती है, तो वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। वहीं पर रवि जब चक्कर लगाता है तो रवि जब दौड़ता है तो वो 12 मिनट में दौड़ जाता है, 12 मिनट में, ठीक है। देखिए सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और जो रवि है वो जो एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनने क्या बोला है कि इन्होंने बिल्कुल सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि सर ऐसे दौड़ते दौड़ते जैसे ही दौड़ना तो रवि आगे निकल जाएगा और रवि आगे बढ़ते बढ़ते यहां से रवि आगे हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते रवि आगे होते जाएगा। होते बोले सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि ये जब दोनों के दोनों वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी जहां से उन्होंने रेस स्टार्ट करी थी वापस से दोनों स्टार्टिंग में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमें स्टूडेंट्स समझना है। चलिए अब इसको समझने के लिए तो याद रखिएगा हम यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहां पर हम उसको लेंगे LCM, यानी हम लोगों को निकालना होगा इस क्वेश्चन के लिए 18 एंड 12 का LCM निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एलसीएम निकालना अब हमको आता है, 18 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, फिर 12 से को करेंगे तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अच्छा 18 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 के तो 12 के हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनके ये पेयर्स बन रहे हैं ये, हाँ तो बस यही तो बात करना है अपने को कि हमारा जो HCF होगा वो पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स क्या है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6। अच्छा LCM क्या आएगा, तो LCM हमारे पास आएगा 6 तो था ही था,
इसमें साथ में जो बचा हुआ है, ठीक है, अच्छा सिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है, खैर हालांकि सिक्स से भी समझ सकते थे आप, ठीक है, या फिर हम सबसे बढ़िया तरीका जैसा अभी तक अपन करके आ रहे हैं कि सर वो हिस्से जो दोनों के पास हो, यानी सबसे पहले पेयर को लिख दें, फिर बचे कुछ है, तो बचा कुछ कौन है, थ्री, और यहां का टू भी बचा है, ठीक है, थ्री टू ऐसा, ठीक है, देखिए फिर से इनका ये मैंने लिख दिया, फिर यहां से थ्री बचा, टू बचा, या टू बचा थ्री बचा, बात एक ही है, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36, यानी ऐसी घटना कब घटेगी, आफ्टर 36 मिनट, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब 36 मिनट के बाद में एक ऐसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी जब दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर हालांकि बस अपना क्वेश्चन यही तक है, लेकिन 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 अपन इसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या, कि बताइए बताइए सोनिया ने कितने राउंड लगाए और रवि ने कितने राउंड लगाए। तो चलिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं क्या राउंड, ठीक है, राउंड कंप्लीट बाय सोनिया। तो देखिए सोनिया कितने 36 मिनट तक दौड़ रही है और एक में 18, यानी उसने कितने राउंड लगाए, टू राउंड को कवर किया होगा, समझ में आया, दो राउंड हुए होंगे, जबकि हम किसकी बात करते हैं, हम राउंड कंप्लीट बाय रवि, तो रवि ने कितने राउंड लगाए होंगे, अच्छा दोनों ही 36 मिनट तक दौड़े और वो 12 मिनट में एक राउंड लगा लेता है, तो उसने कितने तीन राउंड कंप्लीट करे होंगे, इसका मतलब तीन राउंड रवि के और दो राउंड सोनिया के होंगे, तब वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, और उसमें टाइम कितना लगेगा, 36 मिनट का टाइम लगेगा। तो आई होप सो स्टूडेंट, ये पूरा तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो ऐसा पूछ सकता है कि दो चौराहे हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल पे रेड लाइट है, दूसरे सर्कल पे भी, एक सर्कल की रेड लाइट 18 मिनट में चेंज होती है और एक सर्कल की रेड लाइट 12 मिनट में चेंज होती है, अच्छा दोनों स्टार्टिंग में चेंज हुई, फिर बाद में कितने समय बाद वो वापस से दोनों चेंज होंगी सेम टाइम पर, फिर से वही एलसीएम ही तो निकालना है, यही 36 मिनट वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो स्टूडेंट, तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसी लग रही है आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के बस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं अगली एक्सरसाइज यानी 1.2 को लेकर, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।